हेलो, वेलकम टू करंट अफेयर्स फैक्ट्री। तो चलिए, आजकल हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इंटरपोल के बारे में, ठीक है? और जानेंगे कि इंटरपोल क्या होता है, इंटरपोल के जो डिफरेंट नोटिसेस है, स्पेशली आप रेड नोटिस के बारे में जानते होंगे, तो ये और वारंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है? क्या रेड नोटिस वारंट होता भी है या नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, द इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडियाज़ रिक्वेस्ट फॉर एक्शन अगेंस्ट पैनम रिजेक्टेड। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो खालिस्तान, प्रो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए कनाडा बेस एक SPGA जो है ना, एक आपको ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो हेड है दैट इज़ गुरपातवंत सिंह पानून, ठीक है? तो उसके खिलाफ जो इंडिया की रिक्वेस्ट थी कि जो आपको इंटरपोल को इंडिया के जो पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जैसे CBI यहाँ पे हेड है इंडिया में, तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो पार्टिकुलर कंसर्न पर्सन है, इसको आप क्या करो, अरेस्ट करके जिस भी कंट्री में है, और इंडिया को क्या करो, आप भेज दो। तो इस पार्टिकुलर चीज़ के लिए इंटरपोल को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, और इंटरपोल फिर क्या करते हैं, आपको जिस कंट्री को एक कंसर्न कंट्री बोलता है कि वहाँ पे ये आदमी है जिसकी हमें नीड है और मैं इसके खिलाफ़ मेरे पास ये सबूत है, तो वो फिर उसको पकड़ करके भेजते हैं। तो इस पार्टिकुलर रिक्वेस्ट को जो इंटरपोल है, उन्होंने क्या कर दिया, आपको रिजेक्ट कर दिया। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर रिजेक्ट क्यों किया, क्या कारण है, ठीक है? और फिर देखेंगे कि इंटरपोल क्या होता है और इसके रेड कॉर्नर नोटिस और डिफरेंट और भी नोटिसेस क्या हो सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, द इंटरपोल हैज़ रिजेक्टेड अ सेकेंड रिक्वेस्ट। ये सेकेंड रिक्वेस्ट था बाई इंडिया टू इशू अ रेड कॉर्नर नोटिस अगेंस्ट गुरपतवंत सिंह पानून। ये एक कनाडा बेस्ड फाउंडर है किस चीज़ का, आपको प्रो खालिस्तान आउटफिट सिख फॉर जस्टिस, ठीक है? जिसको ऑलरेडी जो हमारे होम मिनिस्ट्री है, अमित शाह जिसको लीड करते हैं, उन्होंने क्या कर दिया है, UAPA के अंदर जो है ना, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट पर्सन जो है ना, डिक्लेयर कर चुका है, ठीक है? द इंटरपोल हैज़ सेड इंडिया हैज़ फेल्ड। रीज़न क्या बताया इंटरपोल, कि इंडिया जो है ना, एक सफिशियंट जो है ना बैकग्राउंड नहीं तैयार किया, एक सफिशियंट जो है ना, आपको एक तरह से बोल सकते हो कंसर्न नहीं बताया कि आप क्यों इसको अरेस्ट करना चाहते हो, और जिसके कारण से आपने ऑलरेडी अपने कंट्री में बैन कर चुका है। तो आप अपने कंट्री में क्या करते हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को अगर आप बताओगे, तो आपको एक प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा। हालांकि इंडिया की रीजन्स बिल्कुल तैयार है, लेकिन इंटरपोल को लगा कि ये सफिशियंट नहीं है, तो उन्होंने क्या कर दिया, आपको रिजेक्ट कर दिया, और बोला कि ये मिसयूज्ड किया जा रहा है पार्टिकुलरली इंटरपोल के प्लेटफॉर्म को, और ये जो है ना ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, ठीक है? तो ये जो है ना, एक तरह से इस कारण से इंटरपोल ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। वाइल एक्नॉलेजिंग दैट पानून इज अ हाई प्रोफाइल सिख सेपरेटिस्ट, हालांकि इंटरपोल ने क्या किया, एक्सेप्ट किया है कि जो ये सिख सेपरेटिस्ट जो भी ग्रुप होती है इंडिया के अगेंस्ट में, उसके हाई प्रोफाइल जो है ना फेस है ये पानून, ठीक है? फिर भी उन्होंने क्या कहा कि नहीं, मैं जो है ना इस पार्टिकुलर कंसर्न जो इंडिया का ने रेज किया था इंटरपोल से, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है? तो अब जानते हैं कि इंटरपोल आखिर है क्या। देखिए, इंटरपोल जो है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, और जो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके पास कितनी मेंबर है, टोटल 195 करेंट में अभी मेंबर्स है, ठीक है? और मेन जो इसका काम है ना, वो डिफरेंट जो कंट्रीज है उसके बीच में जो हेड ऑफ पुलिस होते हैं, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना, और जो भी एक्शंस एक दूसरे कंसर्न रीजन्स के लिए लिया जाता है, तो एक दूसरे को कोऑपरेट करना, ठीक है? ये सब कहाँ पर लिखा हुआ है, तो इंडियन एक्सप्रेस ने इसको इंटरपोल के वेबसाइट से जो है ना, इसको एक्सेस किया, ठीक है? और ये जो है ना, ये पार्टिकुलर इंटरपोल क्या करता है कि एक दूसरे पुलिस के कार्य को जो है ना, एक टेक्निकल और ऑपरेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है? द इंटरपोल जनरल सेक्रेटरिएट कोऑर्डिनेट्स द ऑर्गेनाइजेशन डे टू डे एक्टिविटीज़। आपको मैं आगे बताऊंगा कि जो आपका जितने भी नोटिसेस है, चाहे वो रेड नोटिस हो या ब्लू नोटिस हो, ये सब जो है ना इंटरपोल की जनरल सेक्रेटरिएट है, ठीक है? वो इन सब चीज़ों को डे टू डे बेसिस पे एक तरह से आप बोल सकते हो रेगुलेट करता है। इंटरपोल की जो अभी हाल में अभी करंट में जो सेक्रेटरिएट है, वो जर्मनी के होल्ड में है, और आपको बता दें कि 2014 से है, ठीक है? हेडक्वार्टर जो इंटरपोल की, वो लायोन जो फ्रांस में है, ठीक है? वो एक ग्लोबल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? एक तरह से बोल सकते हो हेडक्वार्टर है, और बहुत सारे छोटे छोटे जो है ना, आपको एक तरह से बोल सकते हो ग्लोबल कॉम्प्लेक्सेस है, जैसे सिंगापुर में है,
और बहुत सारे सेटेलाइट ऑफिसेज है इन डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए इंटरपोल, देखो इंटरपोल तो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारे कंट्रीज़ के जो है ना पुलिस जो हेड ऑफ यू नो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट यू नो अधिकारी होते हैं वो सब वहाँ पर बैठते हैं। तो अगर मान लो इंटरपोल को किसी पार्टिकुलर ए कंट्री के रिक्वेस्ट को किसी पार्टिकुलर बी कंट्री में ले जाना है तो उन दोनों के हेड के बीच में वो क्या करेगा, एज अ ब्रिज की तरह वर्क करेगा। तो उस सिचुएशन से देखोगे तो इंटरपोल ने अपने अपने एक यू नो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को सारे कंट्री में ढूंढ के रखा है। तो इंडिया में जो है ना, तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कि इंटरपोल हैज़ नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, ठीक है, इन ईच मेंबर कंट्री। और जो इंडिया के केस में अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पे सेंट्रल जो सीबीआई है वो है, ठीक है, और वो होम मिनिस्ट्री यूजुअली उसके अंदर आता है, ठीक है। इंटरपोल मैनेज 19 पॉलिसीज डेटाबेस विद इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स, स्पेशली नेम फिंगरप्रिंट से लेकर के जो आईरिस स्कैन होते हैं सारे को रियल टाइम बेसिस पे कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है, ठीक है। और जब नीड होता है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान फॉरेंसिक्स एनालिसिस असिस्टेंस इन लोकेटिंग फ्यूगेटिव अराउंड द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द इंटरपोल ऑफिस। और ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं अब हम लोग जानेंगे, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड नोटिस के बारे में। तो पहले जानते हैं कि एक्चुअली ये कितने तरीके का नोटिस इंटरपोल जो है ना जारी करता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ देख रहे होंगे कि इंटरपोल के जो नोटिसेस हैं, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो इंटरपोल की जो मैंने आपको बताया ना, जनरल सेक्रेटरीट के पास 6 रीजनल ऑफिसेस है, जैसे अर्जेंटीना में है, कोटे डिओवरे में है, ठीक है, जिम्बाब्वे में है, थाईलैंड में है, और उसके बाद आपको केन्या, एल सल्वाडोर, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हेडक्वार्टर लायोन फ्रांस में है, और बहुत सारे जो लाइजन ऑफिस है जैसे न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें है ना, और कमिटी में 13 मेंबर्स के साथ साथ यू नो इंक्लूडिंग टोटल मेंबर्स जो जनरल असेंबली में होते हैं वो 13 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव कमिटी में, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। अब हम जानते हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना कि इंटरपोल नोटिस जारी करता है। आप न्यूज़ में सुनते हो कि रेड नोटिस, रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया, ठीक है, ब्लू कॉर्नर नोटिस, ठीक है। तो इंटरपोल की जो नोटिसेस है यहाँ पे देख रहे हैं आप, वो क्राइम के आप बोलते हो ना कि इंटेंसिटी, जो उसकी यू नो इंटेंसिटी है उसके बिहाफ पे यहाँ पे इंटरपोल रेड नोटिस, ग्रीन नोटिस, ब्लू नोटिस, येलो नोटिस, ब्लैक नोटिस, ऑरेंज नोटिस, पर्पल नोटिस, एंड एक होता है इंटरपोल की यूएनएससी स्पेशल नोटिस। तो यहाँ पे देखते हैं कि देखो रेड नोटिस जो है ना ये बेसिकली किसी भी पार्टिकुलर इंसान को जो है ना वो अरेस्ट करने, कोई कोई पार्टिकुलर कंट्री में अरेस्ट चाहता है तो वो इंटरपोल को रिक्वेस्ट करता है कि भाई देखो उस इंसान को जुडिशियल ज्यूरिस्डिक्शन के लिए जो है ना आप क्या करो, अरेस्ट करके एक्स्ट्राडिक्शन करो हमारे कंट्री में, ठीक है, ताकि चाहे वो दूसरे कंट्री में क्यों ना हो, ठीक है। फिर एक ग्रीन नोटिस आता है टू वार्न अबाउट पर्सन्स क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की, भाई ये आदमी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में संलिप्त है तो आप इसको क्या कर सकते हो, पब्लिक सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए आप इसे क्या करो, अरेस्ट करो, ठीक है। ब्लू नोटिस होता है, फिर येलो जैसा मैंने आपको बताया। तो यूजुअली अगर यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट होता है रेड नोटिस, तो जानते हैं कि रेड नोटिस विस्तृत में कि क्या होता है रेड नोटिस। तो देखिए, क्रिमिनल्स और सस्पेक्ट्स ऑफन फ्ली टू अदर कंट्रीज टू इवेड फेसिंग जस्टिस। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर मान लो कोई कंट्री एक ए है, जैसे इंडिया को किसी भी आदमी का ज़रूरत है और वो किसी दूसरे कंट्री में रह रहा है, तो इंटरपोल को इंडिया रिक्वेस्ट करेगा। हाँ, याद रखिएगा कि जिस कंट्री में इंडिया के एनिमी रह रहे हैं वो कंट्री भी जो है ना इंटरपोल के मेंबर होनी चाहिए। तो इंडिया इंटरपोल को रिक्वेस्ट करेगा कि भाई फलाने कंट्री में मेरा दुश्मन है, हमारे कंट्री के डिसइंटीग्रेशन की बात करता है, तो इंटरपोल क्या करेगा उसको लिखित में जो है ना इंडिया का जो रिटन कॉपी है वो भेजेगा, और फिर वो कंट्री क्या करता है उसको पकड़ के ज्यूरिसडिक्शन प्रोसेस या तो उस कंट्री में भी चल सकता है या आप एक्स्ट्रा यू नो एक्स्ट्राडिशन करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेड कॉर्नर नोटिस और रेड नोटिस दैट इज शॉर्ट इन RN अलर्ट पुलिस फोर्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड अबाउट फ्यूगेटिव हु आर वांटेड इंटरनेशनली। इंटरपोल सेज रेड नोटिस आर इशूड फॉर द फ्यूगेटिव वांटेड ईदर फॉर प्रोसिक्यूशन और टू सर्व अ सेंटेंसेस। अ रेड नोटिस दैट इज RN इज अ रिक्वेस्ट टू लॉ enforcement worldwide to locate and provisionally arrest persons pending extradition, surrender or similar legal actions. RN contains information that helps identify wanted persons such as their names, dates of birth, nationality and physical attributes such as the color of their hair and eyes as well as pictures. तो बहुत सारे डेटा जो है ना यहाँ पे मेंशन है जिसके हेल्प से इंटरपोल क्या करता है आपको एक दूसरे कंट्री को हेल्प करने की कोशिश करता है और उसके बीच में एक ब्रिज की तरह वर्क करता है।
तो आशा करते हैं हमारा ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारे वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।